आज की इस ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि करियाई मिट्टी किसे कहते हैं, माटी भी कितने प्रकार के होते हैं। तो करियाई मिट्टी आज आप लोगों को दिखा देख सकते हैं, ये खेत खलिहान, ये गांव के नज़ारे हैं। ये इस तरह जो कि गेहूं की खेती होती है, कहीं कहीं पर गेहूं पक भी गया है। तो हम रिसर्च करते करते आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये करियाई मिट्टी है, इसका उपयोग बहुत सारे है और बहुत फ़ायदेमंद मिट्टी है, और इसे लोग नहाने में भी प्रयोग करते हैं। इससे बोला जाता है कि देह की जो है गंदगी छूट जाती है। और तो इस समय अभी आप लोग करियाई मिट्टी देख रहे हैं, तो ये होती है करियाई मिट्टी और ये गांव का नज़ारा देख रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों में करियाई मिट्टी, इसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा भी कहते हैं। आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं करियाई मिट्टी यानी काली मृदा और इसे रेगुर मृदा भी बोलते हैं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इसे आज ले जा रहे हैं घर। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है करियाई मिट्टी। तो आप लोग देख सकते हैं ये गांव का नज़ारा कैसा लग रहा है, ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये गेहूं है और गेहूं जो कि पक चुका है, पकने के बाद गेहूं ऐसा नज़र आता है। तो आप लोगों को मैंने इस वीडियो में देखिए करियाई मिट्टी और कुछ गांव का नज़ारा दिखाया और गेहूं दिखाया कि पकने के बाद कैसा दिखता है। और ये मैं अपने गाँव का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखिए इतना शानदार दिखता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लोग खेती भी करते हैं, रहते हैं।